एक दिन मुझे लग रही थी थोड़ी सी भूख, ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, इसीलिए मैंने इंस्टेंट सूप पी लिया। तो इसके अंदर सिंपल वे में लिखा हुआ है कि पहले इस सूप को एक बर्तन में निकाले, मतलब इसकी पाउडर को, और उसके अंदर एक गर्म पानी मिला दे, दोनों को एक ही चीज़ में ना उबाले, ऐसा उसमें लिखा है। बट मैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसा बना के उसको देख रहा था, इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली। वरना हर बार मैंने क्या किया है कि मैं सूप को गर्म करने, यानी पानी को गर्म करने रखता था और उसी में मिला देता था मैं सूप। मुझे आ रहा है फ़ोन, उसको किया मैंने म्यूट और कहा उसको चुप। उसके बाद मैंने पानी को डाल दिया सूप में और फिर एक चम्मच लेके उसको हिला दिया अच्छे से, आराम से मस्त सा सूप। बट ये उतना गाढ़ा नहीं था जितना गाढ़ा सूप होना चाहिए। तो मैंने उसके दूसरे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा जिसमें लिखा था कि इसको फिर 2-4-5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा हिलाने के बाद सूप को अकेला छोड़ दिया, तो देखा इसके ऊपर कुछ पत्ते तरंग रहे हैं, कुछ ऑरेंज कलर की चीज़ें हैं। फिर मैंने रियलाइज़ किया, अरे हाँ ये तो है वेजिटेबल सूप। तो इसके अंदर था ये देखिए बहुत सारे हरे पूरे पत्ते और ऑरेंज कलर के भी। तो फिर मैंने सोचा ये है क्या, तो फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा कि इसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स यानी गाजर थे, और कुछ तो ग्रीन कलर का वेजिटेबल था, और एक था प्याज का पत्ता। अभी वो प्याज था या गोभी था मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर के गाजर की टेस्ट बहुत ही अजीब लग रही थी। बट मैं बाद में वो टेस्ट से यूज टू हो गया। ओवरऑल मुझे सूप पीने में मज़ा आया और मुझे अच्छा लगा और काफ़ी रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। अगर आपको भी ये सूप पसंद है तो आप भी पीजिए, वरना फिर किसी और को दीजिए या फिर जाने दीजिए।